हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड योगा। फ्रेंड्स देखिए, मैंने बनाई है चॉकलेट आइसक्रीम, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी है और बिना किसी केमिकल के, बिना किसी पाउडर के यूज के हमने एकदम घर में बनाया है, एकदम होममेड है, फ्रेश है। तो इस गर्मी आप एक बार जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। चॉकलेट आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये डार्क चॉकलेट ली हुई है। ये जो पूरा इतना बड़ा ब्रिक होता है ना, ये 100 ग्राम का होता है। इसमें से थोड़ा सा मैं काट के निकाल देती हूँ। तो देखिए, ये 75 ग्राम के करीब होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको मेल्ट करना है। तो मैंने यहाँ एक कटोरी ली है, इसमें हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बारीक बारीक काट लेते हैं। ये एकदम सॉफ्ट ही है क्योंकि मैंने इसे को बाहर ही रखा था। तो देखिए, अब मैं इसमें क्या करूंगी, गरम दूध डालूंगी। तो मैंने इसमें, देखिए ये एकदम गरम दूध है, वो डाल, इससे क्या है कि ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। तो ज्यादा नहीं, 3 से 4 चम्मच हम इसमें गरम दूध ऐड करेंगे। यदि आप गरम दूध नहीं डालेंगे तो क्या करिए, दूध डालिए, इसके बाद इसको डबल बॉयलर से रख दीजिए, तो ये पूरी तरह मेल्ट हो जाएगा। ये आप माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए इसको डाल सकते हैं। तो अब जब तक ये पिघल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्रीम तैयार करते हैं। इसको अच्छे से हम पूरा ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए, आप देख रहे होंगे पूरा पिघल गया है, अच्छे से ये पूरा पिघल जाएगा। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तभी हम इसको क्रीम में ऐड करेंगे। तो मैं थोड़ा इसको मिक्स कर देती हूँ, इसके बाद हम क्रीम रेडी करेंगे। ये देखिए, अभी अच्छे से ये पिघल गया है और ये अब जब तक ठंडा होगा तब तक हमारी क्रीम तैयार हो जाएगी। चलिए, क्रीम बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे व्हिप क्रीम लिया है। ये हमें एकदम ठंडा व्हिप क्रीम लेना है। तो एक कटोरी मैं इसमें व्हिप क्रीम लूंगी। ये देखिए, एक कटोरी मैंने इसमें व्हिप क्रीम डाल दिया और इसी कटोरी से 1/3 कटोरी मैं इसमें कंडेंस मिल्क डालूंगी। शुगर हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि क्रीम भी हमारी मीठी है और कंडेंस मिल्क भी मीठा है, चॉकलेट भी मीठी है। तो देखिए, मिल्क ऐड कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अच्छे से बीट करेंगे। अच्छे से सब निकाल लेना है और अब हम इसको बीट कर देंगे। मैं इसमें थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस भी डाल दूंगी, यदि आपके पास नहीं है तो आप उसके बिना भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इसमें 3 से 4 बूंदे चॉकलेट एसेंस की डाल देती हूँ। इसे इसमें ना टेस्ट भी आ जाएगा और खुशबू भी आ जाएगी। अब हमको क्या करना है, बस इसको अच्छे से बीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लो में बीट करेंगे, बाद में हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। हो गई, आप देख रहे होंगे। देखिए, ये मैं पलट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट जब पूरी तरह ठंडी हो जाएगी ना, तभी डालना है, क्योंकि यदि गर्म में हम डाल देंगे तो क्या होगा कि हमारी जो क्रीम है वो मेल्ट हो जाएगी। तो इसमें से आधी, बस 1 चम्मच बचा के बाकी की चॉकलेट मैं इसी में डाल दूंगी। 1 चम्मच जो बचाएंगे ना, उसको हम ऊपर से आइसक्रीम में डालेंगे। तो देखिए, ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है, तो अब मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। आपके चॉकलेट आइसक्रीम का जो बेस है ना, वो बन के रेडी है। अब मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर में डाल दूंगी। यदि आपके पास चॉको चिप्स है तो आप वो डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो वो ऑप्शनल है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वैसे भी इसमें चॉकलेट डाला हुआ है। मेरे पास थोड़े से चॉको चिप्स है, तो मैं इसमें थोड़ा सा चॉको चिप्स डाल देती हूँ। उसे क्या है, खाते समय जब मुंह में आता है ना क्रंची क्रंची, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं इसमें चॉको चिप्स डाल देती हूँ और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल देंगे। देखिए, एक कटोरी क्रीम से देखिए कितनी सारी आपकी आइसक्रीम बनके रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर लिया हुआ है ये, तो अब मैं सारा क्रीम इसमें डाल दूंगी। तो देखिए, अच्छे से देखिए कितने अच्छे से हमारी क्रीम बीट हुई है। जितने अच्छे से क्रीम बीट होगी ना, उतने अच्छे से आइसक्रीम जमेगी। तो पूरा अभी मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छे से पूरी क्रीम हमको इस कंटेनर में डाल देनी है।
से दबा दबा के कर देंगे तो क्या है कि गैप में अच्छे से सेट हो जाएगी। अब ये जो चॉकलेट मैंने बचा के रखा था ना, चॉकलेट सॉस, उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से इसमें डाल देंगे, तो उससे क्या एक डिजाइन भी हो जाएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा वो जब हम देखेंगे। तो इस तरीके से मैं इसे डाल देती हूँ और थोड़ा सा इसको ऐसे ऐसे चला देती हूँ ताकि एक वेव जैसा इसमें सेट हो जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऊपर से खाते समय भी डाल सकते हैं, लेकिन अब उतना झंझट कौन करेगा। तो देखिए हमने ऐसे ऊपर से डाल दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे टैप कर देंगे ताकि अच्छे से जो एयर होगा वो भी निकल जाएगा और क्रीम जो है वो भी, आइसक्रीम अच्छे से हमारी सेट हो जाएगी। तो बस अब मैं इसको ले जाके फ्रीजर में रख देती हूँ, हमको 4 से 5 घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रख देना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो आप देखिएगा सुबह कितनी अच्छी आइसक्रीम बनके तैयार होगी और एयर टाइट कंटेनर है इसलिए बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं पड़ेगा। तो मैं इसे ले जाके फ्रीजर में रख देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए 5 से 6 घंटे हो गए हैं मैं इसको रख देती हूँ। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितनी अच्छी आइसक्रीम जम के तैयार है। ये देखिए कितनी अच्छी चॉकलेट आइसक्रीम दिख रही है। मैं आपको इसको स्पून से निकालती हूँ, देखिए इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं पड़े हैं और कितने अच्छे से ये निकल रही है। ये देखिए तो है ना एकदम मजेदार और टेस्टी। तो इस गर्मी आप एक बार चॉकलेट आइसक्रीम जरूर बनाइएगा और देखिएगा ये कितनी अच्छी और टेस्टी है। ये मार्केट से भी बढ़िया और टेस्टी बनती है और बिल्कुल भी इसमें आइस क्रिस्टल नहीं पड़ती है, ना कोई केमिकल का या किसी सीएमसी जीएमसी पाउडर का हमने यूज किया है और बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी भी है। तो आप इसे जरूर एक बार बनाइएगा।